एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं अलग अलग चीज़ें क्रिएटिवली बनाने की कोशिश करता हूँ, और उनको वो चीज़ें जो मैं बनाता हूँ उस उन चीज़ों पे मुझे भरोसा होता है कि मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसा बनाया जो लोगों को अच्छा लगे। अब अक्सर वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आमतौर पर लोग उस चीज़ को देखते नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं एक सोशली रेलिवेंट शो बना रहा हूँ कन्या भ्रूण हत्या को, तो शायद कोई नहीं देखे। लेकिन मैं जब आपको बोलता हूँ कि मैं एक शो बना रहा हूँ सत्यमेव जयते, उसका टॉपिक क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, तो लोग आते हैं, जुड़ते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है तो देखते हैं, अच्छा नहीं लगता तो उसको चले जाते हैं। सब टीवी पे देख रहे हैं, तो अगर कोई शो उनको पसंद नहीं आया तो वो बंद करते हैं। ये चॉइस उनके हाथ में एक सेकेंड में लगेगा। लेकिन मैं उनको जो न्योता दे रहा हूँ, वो न्योता देने का मेरा ढंग ऐसा होना चाहिए जिससे उनको भी लगे कि हाँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ आमिर जी के साथ। अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऐसी है कि हिंदुस्तान में कोई डॉक्यूमेंट्री देखते ही नहीं है, हमारे शायद कल्चर में नहीं है या हमको उस चीज़ की आदत नहीं है डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने की। और मैं चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को बढ़ावा दें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म लोग देखना शुरू करें, और शायद एक बड़े पैमाने पर आज हिंदुस्तान ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है तो उनको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का एक चस्का लगेगा, एक मज़ा आएगा, उनको लगेगा हाँ यार, ये होती डॉक्यूमेंट्री फिल्म कि असली लाइफ के बारे में हम आप दिखा रहे हैं, चाहे वो लगान के बारे में हो, कल को आप डॉक्यूमेंट्री किसी और चीज़ के बारे में भी बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये मेरा तरीका था टू इंट्रोड्यूस पीपल टू अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। एक्चुअली ना सक्सेस के बारे में इतना सोचता हूँ और ना एक्सीलेंस के बारे में इतना सोचता हूँ, मैं वो काम करता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है, जो मुझे खुशी देता है, जो जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, जिसमें मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा करूँ। सो आई स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, बट आई कांट से दैट आई एम एक्सेलेंट, आई स्ट्राइव फॉर इट।